नमस्ते सत श्री अकाल इंडिया वालों, आप सब लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक होंगे उम्मीद है। आज की जो वीडियो है, वीडियो में आप सब लोगों को क्या बताऊँ यार, सुनो, $70 मिलियन जो सारे मुल्कों को नुकसान होने वाला है, वो भी किससे? इंडिया से, भारत से नुकसान होने वाला है। और एक करोड़ मिलियन के पता नहीं कितने डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी हो रही है इंडिया में। और ये वीडियो देख कर मेरे से तो रहा नहीं गया, मैंने कहा इस वीडियो पर तो मैंने रिएक्शन करना और लोगों को दिखानी है कि इंडिया कितने कंट्रीज को नुकसान देने वाला है बहुत ही जल्द। ओके, वीडियो को करते हैं शुरू। $70 मिलियन वो नुकसान है जो जल्दी हर साल अरब देशों को भारत से होने वाला है, और 1,000 करोड़ रुपए वो इन्वेस्टमेंट है जो भारत के गुजरात में होने जा रहे हैं। पेट्रोलियम इंपोर्ट बिल को कई गुना कम करने के लिए GSCL और गेल इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके अंतर्गत 500 किलो लीटर बायोएथेनॉल हर दिन प्रोड्यूस किया जा सकेगा। GSCL और गेल इंडिया के बीच साइन हुए इस एग्रीमेंट के तहत 1,000 करोड़ रुपए का निवेश गुजरात में बायोएथेनॉल प्लांट लगाने में किया जाएगा। बायोएथेनॉल को पेट्रोलियम के एक अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पे देखा जाता है, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट को फर्मेंट करके बड़ी ही आसानी से बनाया जा सकता है। इसके अलावा गन्ना भी बायोएथेनॉल बनाने का एक अच्छा सोर्स है। दरअसल भारतीय सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये है कि 800 ml पेट्रोल में 200 ml इथेनॉल मिला के 2025 से गाड़ियों का फ्यूल प्रोड्यूस किया जा सकेगा। इस इन्वेस्टमेंट के बाद इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से सालाना 1,500 करोड़ रुपए एनुअल टर्नओवर जनरेट किया जा सकेगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट की पूरी राशि की भरपाई एक साल में बड़ी आसानी से की जा सकेगी। और तो और, इस प्लांट की वजह से करीबन 700 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार भी मिल पाएगा। अच्छी बात यह है कि टोयोटा, सुजुकी और ह्युंडई जैसे कुछ इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स आने वाले 6 महीनों में भारत में फ्लेक्स फ्यूल इंजन मैन्युफैक्चर करना भी शुरू कर देंगे, और इन इंजन को 100% इथेनॉल से भी चलाया जा सकेगा। इन दोनों खबरों को देखते हुए तो अब यही लगता है कि आने वाले 3 से 4 सालों में इम्पोर्टेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल काफी हद तक कम किया जा सकेगा। अच्छी बात यह है कि भारत के अलावा नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को भी इसका एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। वो इसलिए क्योंकि इन देशों में मोस्टली भारत में बने ऑटोमोबाइल ही इम्पोर्ट किए जाते हैं, और इन देशों का इम्पोर्ट बिल भी भारत में बने इंजन से कम किया जा सकेगा। इसके अलावा इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी भारत इन देशों को टेक्नोलॉजी और आर्थिक रूप से मदद कर सकता है। हालांकि पड़ोसी देशों में एक देश ऐसा भी है जिसके लिए ईगो अपने नुकसान से कहीं ज्यादा बढ़कर है, और ये देश अपने चूरन भाई के कर्जे के तले दबना पसंद करेगा बजाय नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के। पाकिस्तान की बात हम यहां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेचुरल गैस पे पाकिस्तान की ओवर डिपेंडेंस अब पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ रही है, और इसी कमी की वजह से कराची का 75% एरिया गैस की कमी से जूझ रहा है। खैर, भारत में लगने जा रही इस बायोएथेनॉल प्लांट और फ्लेक्स फ्यूल के प्रोडक्शन स्टार्ट होने की वजह से आने वाले 10 सालों में भारत को एक फ्यूल एक्सपोर्टर के तौर पे भी देखे जाने की संभावना कई हद तक हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में MII यानी मेड इन इंडिया जरूर लिखेगा, और हाँ, लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन पा रहे हैं। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट कर दें। भारत बहुत आगे जा रहा है गैस में भी, और इस चीज को तो मैं मानता हूँ, पाकिस्तान में गैस बिल्कुल कम आ रही है और मैं अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रही, हमें सिलेंडर भरवाने पड़ते हैं। लेकिन जो भारत है, भारत अपने लिए बहुत फायदा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा फायदा सोच रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। अपने लिए फायदा सोचना चाहिए, भारत बहुत आगे जा रहा है। और ये चीज़ मैं सुन के हैरान हो रहा हूँ कि $70 मिलियन का दूसरे कंट्री को नुकसान होने जा रहा है, ये कुछ बात मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। तब तक के लिए बनिए रहिएगा मेरे चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।